अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले नेशनल टीवी वालों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी नई ऑफिस के लिए मुबारकबाद देता हूं। मैं सैयद तहसीन डीजे हल्ली से जीडीएस लीडर, आज बेंगलोर नॉर्थ माइनॉरिटी वर्किंग प्रेसिडेंट के पोस्ट में हूं। हमारे पुली के श्रीनगर के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आज से पहले अगर प्रसन्ना कुमार साहब के टाइम पर से आए तो उस वक्त से भी सिर्फ वोटों के वास्ते हमारे एरिया को इस्तेमाल हो को है ना हो को, उतना क्या भी डेवलपमेंट हुआ नहीं, क्या भी हुआ नहीं। जहाँ तक मंजे मालूम है, आज से 20 साल पहले ये काफ़ी बोट कॉलोनी, ये रामा टेंट का जो एरिया था, पूरा मैदानी इलाका था। आज स्क्वायर फीट 8,000-10,000 है। आज भी हमारा एरिया डीजे हल्ली में 3,000 से 5,000 के अंदर है, स्लम के हिसाब से कंसीडर है और एकदम बैकवर्ड थर्ड क्लास रेड जोन अलर्ट होगा। कोई एमएलए हमारी एरिया के तरफ डेवलपमेंट को तवज्जो नहीं दिया। हर कोई अपने घर को बिल्डिंग में बदल लिया, अपने बैंक बैलेंस को हैवी कर लिया, अपनी लाइफ और अपनी फैमिली की लाइफ को सेटल कर लिया, ना हो को ये एरिया के वास्ते कोई भी कुछ काम नहीं करा। प्रसन्न कुमार 4 बार एमएलए, आज भी हमारे एरिया की वो हालत है। अब अखंड श्रीनिवास मूर्ति उन्होंने दो बार एमएलए हुए, 2 बार एमएलए होकर भी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब ए सी श्रीनिवास साहब देवनहल्ली से आको यहाँ एमएलए बन को ही 3 महीने हुई, आगे देखेंगे क्या करती घर को। आने वाले दिनों में आज भी हमारी एरिया में 16-17 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चों के हाथ में, एक हाथ में ड्रग्स है और दूसरे हाथ में टूल्स, स्वॉर्ड जो हथियार है वो रोडिज्म। आज हमारी कौम बिल्कुल तबाही के रास्ते पर निकल गई है। इसके बारे में कोई भी जिम्मेदार, इसके बारे में कोई स्टेप नहीं ले रहा, ना जिम्मेदारी ले रहा। पुलिस डिपार्टमेंट भी कुछ खास इसके बारे में, क्या पुलिस डिपार्टमेंट को यह नहीं मालूम कि इसमें यहाँ ड्रग पेडलर कौन है, ड्रग डीलर कौन है, अगर को नहीं मालूम है क्या? अगर इनके इत्तला के बगैर कोई भी काम करा तो ले ले जाकर हड्डियाँ तोड़ डालती। तो इन्हों की क्या भी स्टेप नहीं ले रही। इतना क्राइम बढ़ते जा रहा है हमारी गली में। रोज़ डीजे हल्ली सोलापुरम टेम्पल स्ट्रीट में मेरा घर, रोज़ तलवाना ले लकारी रोडी या हर रोज़ विजिटिंग। और मोदी रोड में तो गली गली में रोडिज्म, ड्रग्स रोडिज्म। पुलिस भी इसके बारे में कुछ तवज्जो नहीं दे रही है। एमएलए साहब को मेरी ख़ास दरख्वास्त, आने वाले दिनों में एक ड्रग्स, दूसरा रोडिज्म, तीसरा हॉस्पिटल, जो हमारे फुटबॉल ग्राउंड के पास लेडीज़ के वास्ते हॉस्पिटल है, यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है, गरीब के वास्ते बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल कोई फैसिलिटी नहीं है। तीसरा, यहाँ हमने एक बड़ी हॉस्पिटल होना। चौथा, बच्चों को स्कूल और बच्चों के वास्ते कॉलेज होना और बच्चों के वास्ते एक स्पोर्ट्स का होना। और सबसे बड़ा मुद्दा, हमना टैनरी रोड, रोड वाइंडिंग का काम पूरा होना। इसकी ट्रैफिक की वजह से टैनरी रोड सर्कल से दड्डी क्रॉस करने तक तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। अगर कोई हार्ट पेशेंट एम्बुलेंस में रहा तो इंतकाल हो जाता है, कोई प्रेग्नेंट लेडी ऑटो में रही तो डिलीवरी रोड पर हो जाती है। इतने साल से ये रोड वाइंडिंग का प्रॉब्लम किस साल नहीं हो रहा। अब गवर्नमेंट तुम्हारी है, एमएलए ही, तो यह किसी हालत में हमना रोड वाइंडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व होना। और दूसरा, जितने फुटपाथ से पूरे दुकान वाले शॉपकीपर्स ऑक्यूपाई कर लिए, पब्लिक को फुटपाथ पर चलने के वास्ते जगह नहीं है, रोड को पार्किंग तो पब्लिक चलना सका, पूरी ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो गया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे ही, पानी का मसला है, बहुत सारे मुद्दे ही। तो इसके बारे में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें जेडीएस की तरफ से डीजे हल्ली हो या पुली के श्रीनगर की आवाम की आवाज़ बनकर जेडीएस हमेशा खड़े रहेंगे और जनता के वास्ते, पब्लिक के वास्ते, हमें बेहतरी का काम करने के वास्ते ही। हम ना किसी का डर नहीं, हमें किसी से ये कृपा लेते नहीं, जान तक होता हमें पब्लिक के वास्ते फाइट करती। सर, और रही बात ये वार्ड में जो कॉरपोरेटर हैं, वो आपको मालूम है डीजे हल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितने कॉरपोरेटर हैं,
तो उनका काम कैसा चल रहा सर, वो कैसा करें था पिछले बार? पिछले बार के जो कारपोरेटर्स हैं एक भी काम ढंग से नहीं करें, इंशाल्लाह उसका जवाब इस बार के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में पब्लिक देते हैं उनको। सब अपने अपने फायदे का देखिए, सब जो मारुति 800 में थे उन्होंने इनोवा फॉर्चुनर बना लिए, छोटे घर से बिल्डिंगा बना लिए, बैंक बैलेंस बना लिए, बस इसके वास्ते चुनाव कॉर्पोरेटर्स बनी सर। अब आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उनको उसका जवाब मिलता, और जेडीएस की तरफ से इंशाल्लाह हमें बेहतर से बेहतर कैंडिडेट, ईमानदार कैंडिडेट को ले लगाती। सर रही बात पुलकेशी नगर में, आप गए कि कॉलेज हॉस्पिटल सब बना करके, तो यहाँ पे पानी का लाइटिंग का कैसी फैसिलिटी है? पानी का हाल बुरा है, स्ट्रीट लाइट्स एक गली में चार है तो स्लग रस एक इंच, मगर बिल बराबर बढ़ रही है। और दूसरी बात, मेरी गली में सोलापुरम टेम्पल स्ट्रीट में कामगारी क्या हुआ, ये जो ड्रेनेज क्लीनिंग का, वो कॉन्ट्रैक्टर ठीक से काम नहीं करया। मैं बीबीएमपी नागराज सर को इसके बारे में 10 बार कंप्लेंट कर गूँ, वर्क इज इनकम्प्लीट, बिल नहीं बनाना कर को, उसके बावजूद वो कॉन्ट्रैक्टर का पता नहीं, इन्हों क्या करे मालूम नहीं, शायद बिल भी होगी रहेगा। सीसीटीवी कैमरा का तो हाल इतना बुरा है, परसों मई 2 कैमरे चेंज करी हूँ मेरे पैसे से। सीसीटीवी कैमरे साहब को बहुत पुराना वर्षन का, पुराने कैमरे दल को हर एक चीज़ में लूट हो गया है, हर एक चीज़ में। और दूसरा एलएनटी वाले या किसी और को कॉन्ट्रैक्ट देखो पानी का, ऑलरेडी पानी वाटर लेंस ही, उसके बावजूद नए लेंस डला को कोसा की अनसेज ब्लू पाइप मीटर्स के साथ डला है, मगर आज को इसमें पानी आया नहीं, वो पूरा छिलेगा, करोड़ों रुपए लूटी हो गया। तो हिसाब से एमएलए साहब को आपके रिक्वेस्ट, एमएलए साहब से हमारा रिक्वेस्ट क्या होता है, देखो हमने पर्सनल दुश्मनी क्या भी नहीं है, हमने उनसे क्या भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमने जब बात आवाम की आती है, उनकी सहूलत की आती है, उनको जो सहूलत होना, जो फैसिलिटी होना, एमएलए साहब उसके वास्ते उनको काम करना, क्योंकि तो 80-7 हज़ार पब्लिक उनको वोट डाल को एमएलए देवनली वाले से ऐसे वाले को एमएलए बनी है, सो उनके वास्ते काम करने के वास्ते, तो ये काम उन्हें बराबर करे तो हमें भी उनको सपोर्ट करती, अगर काम नहीं करे तो प्रोटेस्ट करती। अस्सलाम वालेकुम।